क्लास 8 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते। एक्सरसाइज 6.3 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कर रहे हैं 6.4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और आपको जानकर खुशी होगी कि स्कूल में भी हमारा यही चैप्टर चल रहा और सेम यही एक्सरसाइज चल रही है। कल मैंने यही क्वेश्चन करवाया था वहां पे भी, स्कूल में भी और इंस्टीट्यूट में थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है। तो चलो यूट्यूब पर हमारा क्या चल रहा है वो मैटर करता है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब आप कहोगे सर लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, तो फिर भैया मैं कहूंगा कि ये इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाया था हमने चार, उसमें जाके सेकंड वाला वीडियो देखना पार्ट टू, उसके अंदर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बहुत डिटेल से समझाया है। बट अगर आपको समय नहीं था उस समय तो वापिस समझा देते। आओ 2304 इसके डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो दो पांच चीजों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखोगे तो एग्जामिनर आपका ध्यान रख लेगा। 2304 ये नंबर यहां पर लिख दो, बहुत ही सुनहरे नंबर है। सबसे पहला काम आपको जो करना है, देखो चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब दो दो के पेयर बनेंगे। जो पेयर बनेंगे वो आपके बैक साइड से बनेंगे। अब आप कहोगे सर आगे से बना दो तो क्या दिक्कत है, इवन नंबर ही तो है, 1 2 3 4 चार आ रहे, दो आगे से दो पीछे से। बट अगर इसमें आपका इवन प्लेसेस आ जाए, जैसे मान लो सपोज करो आपको ये नंबर पूछ लिया और आपने आगे से पेयर बना दिए दो का और ये सिंगल का, तो भैया गलत हो जाएगा। तो आदत ही आप ऐसी डालो ताकि आपके गलत होने का सवाल ही नहीं उठे। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि पेयर जो बनेंगे वो बैक साइड से बनेंगे। तो 04 का एक पेयर बनेगा और 23 का एक पेयर बनेगा। सपोज करो यहां पर 2 नहीं होता तो 3 सिंगल ही चलता फिर, ठीक है ना, 03 लगा लो 3 के साथ। तो भैया हमने पेयर बना लिए 04 का एक पेयर 23 का। अब आपको जो 23 में डिवाइड करना वो ऐसे करना है कि या तो 23 के इक्वल आए या फिर 23 से लेस देना है, ज्यादा नहीं आना चाहिए 23 का। तो आपको ना जैसे करना है 4 × 4 तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा, तो 23 से ज्यादा हो गया। अभी मैंने बोला या तो इक्वल या लेस देन होना चाहिए, तो भैया हम लेंगे 4। आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अगर आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, आपने कहा सर 23 से तो कम ही है, बट मैं कहूंगा ये गलत है, ठीक है, आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये छुटकी छुटकी चीजें आपको ध्यान रखनी है, नहीं रखोगे तो एग्जामिनर ध्यान रख लेगा। तो ये देखो 4 और 4 लोगे, ये बहुत ही प्यार प्रेम से समझा रहा हूं, वरना थप्पड़ मार के समझा सकता हूं। तो 4 और 4 क्या होगा आपका 16। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो यहां चिपकाएंगे, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो यहां लगाएंगे और इन दोनों का एडिशन यहां लिखेंगे। तुमने जितनी मैथ नहीं सीखी है उससे ज्यादा तो कैमरामैन जो हमारा है उन्होंने मैथ सीख ली। वो संस्कृत पढ़ाते हैं बट स्कूल में उनको मैथ्स ही मैथ्स नजर आती है। तो ये हो जाएगा 4 + 4 = 8 लॉन्ग डिविजन मेथड, उनको भी समझ आएगा वक्त तो 23 में से 16 जाएंगे तो ये 7 बचेगा, ठीक है ना, इसमें से पूरे में से इसको पूरा माइनस करना है, ठीक है, 3 में से 6 और 2 में से 1 ऐसे नहीं करना है, 23 में से 16 माइनस करना है, तो ये आपका आ गया 7, ठीक है। वहां पे रिपीट कर रहा हूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने यहां लिखा है ना, और 4 ही इसलिए लिया क्योंकि 23 से कम यही बैठ रहा था, 5 ज्यादा आ रहा था। दोनों का एडिशन यहां लिखा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां लिखा है, 23 में से 16 माइनस करा 7 आया। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो कितना हो गया 4, इन दोनों में से एक नंबर लेना 4, क्वेश्चन हमारा हो गया 4। अब आप ये पूरा हमने पेयर बनाए थे ना 04, तो आप नीचे 0 उतारोगे या 4 उतारोगे, पूरा पेयर एक साथ नीचे उतरेगा। ध्यान रखना मेरे जो वर्ड्स है वो रिवाइंड कर करके सुन लेना ध्यान से, पूरा पेयर एक साथ नीचे उतरेगा, 04 एक साथ आएगा, सिर्फ 0 मत लिख देना नीचे वरना गलत हो जाएगा क्योंकि हमने पूरा पेयर बनाया। अब जो डिवाइड होगा वो 704 में होगा, तो देखो करके देखो 86 और 6 करके देखो, सेम नंबर लेना जैसे मान लिया था, तो ये हो रहा है 36 48 और 3 कितना 51, तो अभी तो कम है और आगे चलते रहेगा। 88 से करके देखो एक बार, 8 तो हमारे पास यही 8 और 8 और ले लिया हमने, 64 और 7 6 704। मैंने कहा था ना या तो लेस देंगे या इक्वल, तो यहाँ पर आपका 8 आ गया,
इन दोनों का एडिशन 88 प्लस 8 कितना होता है 96 और एट हो जाएगा 88 इंटू 8 कितना 704 ये हो गया 000 या तो आपका रिमाइंडर जीरो आएगा और ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है संविधान में कि जीरो ही आएगा रिमाइंडर भी आ सकता है बट मैक्सिमम चांस जो आपके क्वेश्चन है उसमें जीरो ही है और आपने कितना क्वेश्चन लिया था 8 तो ये हो गया 8। अब दूसरी चीज देखा 2304 इसका जो आपका लॉन्ग डिविजन मेथड से रूट आया वो आया 48। मैं एक चीज आपको ध्यान दिला दूं अगर आपने ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन इसका आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकल जाएगा बहुत सारे मेथड है उससे निकल जाएगा डायगनल से निकाल लो शॉर्टकट से निकाल लो आपका आंसर सबका 48 ही आएगा बट अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में कि लॉन्ग डिविजन मेथड से निकालो तो आपको इसी मेथड से निकालना अपना एक्स्ट्रा खोपड़ा चलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो अब इसी का ही फर्स्ट मैंने कराया एक्सरसाइज 6.4 का सेकंड 4489 वो भी ऐसा ही है 3481 वो भी ऐसा ही है चार चार डिजिट के तो दो दो बैंक से पेयर बन जाएंगे। अब मैं आपको इसी का कराने जा रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन ठीक है 529 वाला थ्री डिजिट वाला भी एक बार देख लो ताकि आपके जो डाउट वो खुल जाए। इधर देखो 529 529 के फैक्टर क्या होंगे वो देखो एक बार फैक्टर नहीं सॉरी बैक साइड से आपको पेयर बनाने हैं ठीक है ना तो 29 आपका एक पेयर हो जाएगा और एक 5 आपका अकेला रहेगा इसको कोई घंटा भाव नहीं देता तो ये हो जाएगा 29 आपका एक पेयर और आपका 5 सिंगल होगा। अगर आपने आगे से पेयर बना दिए तो 52 एक बनेगा फिर 9 बनेगा जो गलत हो जाएगा ठीक है तो आपका एक 29 और एक 5। अब आप एक ऐसा नंबर लो जो 5 से कम हो या 5 से लेस दे दो या लेस दे दो या इक्वल हो तो एक ऐसा नंबर है 4 3 से करेंगे तो 9 आ रहा जो गलत है ये भी लेस दे दो तो हमें नियर बाय तक देखना है तो 2 ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन भी क्या हो गया 2 हो गया ये 4 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहां लिखते हैं इन दोनों का एडिशन करके यहां लिखते हैं ठीक है बहुत ही प्यार प्रेम से समझा रहा हूं वरना बीपीपी ये हो जाएगा आपका 5 में से 4 गया 1। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि 2 नीचे एक साथ उतरेगा या 29 एक साथ उतरेगा तो 29 आपका एक साथ उतरेगा पूरा पेयर एक साथ उतरता है लॉन्ग डिविजन मेथड में। अब आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो या तो इक्वल आ जाए या लेस देन आ जाए तो भैया ये आ रहा है 84 अभी थोड़ा दूर है थोड़ा और पास लेकर चलो देखा बन जाए तो ये हो जाएगा 129 ठीक है तो ये हो जाएगा 129 और ये हो जाएगा 33 ये हो जाएगा 46 और ये कर दो 000 मतलब आपका ये भी कट गया इन दो 43 इंटू 3 करके लिखा लिखा इन दोनों का एडिशन करके नीचे लिखा और क्वेश्चन कितना आ गया हमारा 73। अरे बात सबको समझ में आ रही है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक बार घर पे हाथ पाथ चलाना स्टार्ट करो सबको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग डिविजन मेथड जो मेथड पूछे उसी से ही करना है अदरवाइज नंबर काट ली जाएंगे। लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है 529 का ये हो जाएगा 23 जो क्वेश्चन आता है वही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं फर्स्ट का 8 क्वेश्चन ठीक है बाकी सारे आप करोगे क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है एक ही क्वेश्चन को बार बार करा के क्या करें बताओ 792 वही चीज बैक साइड से आपको पेयर बनाने दो दो के पेयर बनाने तो एक 29 बन जाएगा और एक 79 बन जाएगा। ऐसा नंबर पकड़ो जो 79 के नियर बाई हो या इक्वल हो तो 7 × 7 करो 49 8 × 8 करो 64 9 × 9 करो 81 तो 81 तो ज्यादा हो गया तो 8 तक लेंगे ये हो जाएगा 8 × 8 और कॉन्स्टेंट हो जाएगा 8 इन दोनों का एडिशन करके नीचे लिखते इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहां लिखते 64 तो 79 में से 64 माइनस करना है तो ये बन जाएगा 15 और ये पूरा पेयर नीचे एक साथ आ जाएगा। अब क्या करें जिससे इसको जीरो बना दे या फिर रिमाइंडर कम से कम लेकर आ जाए हम तो देखो 168 करके देखो एक बार 4। अब आप कहोगे सर आप सीधा 8 क्यों ले रहे हो 7654 क्यों ले लिया भाई थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1 आ रही है तो क्या 7 × 7 करने से आपका 1 बन रहा है नहीं यूनिट डिजिट 9 आएगी
फाइव करने पर भी नहीं बनेगा, सिक्स करने पर भी नहीं बनेगा, एट पे इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको मैं एग्जैक्ट अगर नाइन लेता तो आप क्या कहते हैं सर आपने सीधा नाइन कैसे लिया। तो मैं नियर बाय आपको लेके बता रहा हूँ कि इससे बाद भी कुछ हो सकता है क्या, है ना। वैसे तो एट और एट करने पर क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, और हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए, वन चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आप इन सब कैलकुलेशन में पढ़ते ही क्यों फिर, है ना। तो सीधा नाइन कह लो, तो हमें यूनिट डिजिट भी ध्यान में रखनी है ताकि आपके ना क्वेश्चन सही होते चले। 81 अब देखो यूनिट डिजिट बना ली, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सही हो। तो उसके बाद में 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा आपका 62, 9 और 6 कितना 5.5। तो ये सब चीजों का देखो आपको दिमाग में ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 169 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, 178, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखना है, तो इतना हो जाएगा 0000, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 89। तो 7921, है ना, 7921 का जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से होगा वो हो जाएगा 7921 का लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया आपका 81 इसका राइट आंसर। तो आपको लिखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट ऑफ रूट 7921 इक्वल टू 89। अब इसके जो क्वेश्चन है आपके फिफ्थ सिक्स सेवन एट मैंने करवा दिया, 9, 10, 11 और 12 सारे क्वेश्चन ऐसे। सबसे पहले जाके आप पार्ट टू में जाकर इंट्रोडक्शन वाले में इसी चैप्टर के उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझो, फिर जो मैंने क्वेश्चन कराए वो समझो और फिर प्रैक्टिस करो, देखना आपको आराम से आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो अभी अभी हमने तत्काल प्रभाव से डिसीजन लिया है कि इस वीडियो को यह एंड कर दिया जाए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बेटा, लव यू ऑल।